जनपद संभल के चंदौसी से में हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रचारक प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम ने एक घायल बंदर के बच्चे का उपचार कराया। जनपद संभल में लॉकडाउन के चलते कौशल किशोर वंदे मातरम को अनुज वानखेड़े द्वारा सूचना दी गई कि केतल गेट में एक बंदर का छोटा सा बच्चा चौपहिया वाहन से घायल हो गया है। वाहन से टकराने के कारण उसकी आंख में रक्त बहने से आंखें बंद हो गई है, वह दर्द से झटपटा रहा है। मौके पर हिजाम नेता ने पहुंचकर तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र को बुलाकर उक्त पीड़ित बंदर का उपचार कराया। वह बोरिक पाउडर से गर्म पानी से उसकी आंखों को धोया गया। चिकित्सक की देखरेख में उपचार मिलने से उक्त बंदर का बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। जैसे कि हम हिंदू जागरण मंच लॉकडाउन चलते हुए जो असहाय और बेसहारा जानवर हैं, पशु हैं, उनके लिए चारे वगैरह की व्यवस्था का तैयार, खाने की व्यवस्था का तैयार होती है, तो इसी दौरान आज हमें एक कॉल आई थी कि यहाँ पर कैथल गेट के पर अंदर के बच्चे को बाहर टक्कर मार गया है, वो घायल अवस्था में है, अर्धमूर्छित पड़ा हुआ है। तो हम तुरंत वहाँ पहुंचे, हमने देखा कि यहाँ अंदर का बच्चा बाथरूम नहीं खाया। तो हमने पशु चिकित्सक जो है सरकारी पशु चिकित्सक है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, उन्हें बुलाया, फोन करके तुरंत आए और उन्होंने उसका इलाज करा। वहाँ देखा उन्होंने और हमने उनका इलाज करवाया। उसके आँखों में दरअसल जो है ब्लड आने से उसकी आँख जो बंद हो गई, तो वो दवाई दे गई थी उसमें लगाने की, इसकी आँख वगैरह साफ करने की, तो हमने उसका आँख साफ करवाई और अब आके खुद उसे आराम मिला है बंदर के बच्चे के लिए। जैसे कि चंदौसी के अंदर हिंदू जागरण मंच द्वारा ये कार्य हो रहा है जो बेसहारा जानवर है, पशु है, तो हमने उन्हें नंबर भी दे रखा है चंदौसी के अंदर नगर के अंदर। मेरा नंबर 7500009944 है, उस पर कॉल आ गई। जहाँ कहीं भी अगर कोई बेसहारा जानवर या पशु हुए भूखा होता है, हम वहाँ हो जाकर चारे की व्यवस्था करते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा नगर चंदौसी की जनता को और चंदौसी के आसपास की, यदि कोई घायल पशु हो, घायल जानवर हो या कोई भूखा बेसहारा लावारिस जानवर या पशु इस अवस्था में भूखा रह रहा हो, तो वो हमें कॉल करें इस नंबर। बेजवान बेसहारा पशु नगर चंदौसी की जनता को अगर जहाँ कहीं भी अगर किसी को जानकारी में आती है, तो वो मेरा नंबर 7500009944 पर कॉल करें, तो हम हिंदू जागरण मंच की टीम वहाँ पर पहुँचेंगे। अगर कोई घायल भी हुआ तो हम पशु चिकित्सक को लेकर वहाँ तक पहुँचेंगे और उसका उपचार कराएंगे। लॉकडाउन के अंदर जो बंदी है, हम ये भी निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन का पूरा पालन हो, इसलिए हम अपने साथ केवल एक या दो कार्यकर्ता रखते हैं, इससे ज़्यादा हम कार्यकर्ता ही रखते हैं और जो हमसे मदद हो जाती है वो हम मदद करते हैं। जहाँ तक चारे का उसका सवाल है, तो चारा हम ये चाहते हैं कोई भी भूखा हमारे नगर में कोई भी भूखा जानवर या पशु भूखा ना रहे, चारे की पूरी व्यवस्था करते हैं, उसे खाने की व्यवस्था करते हैं।